नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात किसान संगठनों की। दरअसल किसान संगठन लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में किसानों के मुद्दों पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, किसानों की सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है और बिजली, पुलिस, चकबंदी जैसे विभागों के अधिकारी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी कीमत पर नलकूपों पर मीटर नहीं लगने देंगे और ना ही किसानों को फ्री बिजली चाहिए। सरकार बिजली को लेकर निश्चित वार्षिक धनराशि तय कर दे। नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों को फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है और गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद होने के बाद भी किसानों को कुछ नहीं मिल पाया है। नहीं, यहाँ तो एक फैसला है, एक सामाजिक फैसला, उसके लिए इकट्ठे हो रहे। और रणनीति तो कोई नहीं, पर रणनीति तो जो किसानों की फसल बर्बाद होगी, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज हम देख रहे थे एक किसान की लाश पाई वहाँ से, पंजाब से, उसकी 37 एकड़ बीघे जमीन वो तबाह होगी, बिल्कुल ओलावृष्टि था उसने तो मोटरसाइकिल समेत नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। एक यहाँ से मोदी नगर में 1 अप्रैल को उस किसान ने वहाँ से उसमें ही बैठे बैठे शायद अदालत में किसान दिवस था उसमें उसमें नस काट ली, तंग हो के कर्जे से कहीं से भी तंग हो के। और इस तरह की भी हो रही बातचीत, हम तो यही कह रहे भाई इस तरह के किसान या यू काम ना करें। मथुरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि माफिया खनन अधिकारी की गाड़ी पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। मगोरा थाना इलाके में राजस्थान बॉर्डर पर माफियाओं ने खनन अधिकारी की गाड़ी पर हमला कर दिया। खनन अधिकारी की गाड़ी पर पत्थर फेंके और लाठियां भी बरसाई। खनन अधिकारी की गाड़ी पर हुए हमले से खनन अधिकारी तो बाल बाल बच गए, लेकिन 2 होमगार्ड जगदीश और विजेंद्र घायल हुए हैं। 5 हमलावरों चरण सिंह, पिंटू, जीतू, सुभाष पंडित और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक खनन टीम बिजली से भरे डंपरों की जांच कर रही थी, इसी दौरान माफियाओं ने अपनी गाड़ी खनन टीम की गाड़ी के आगे लगा दी और फिर हमला कर दिया था। जानकारी के मुताबिक खनन टीम को देखकर पहले डंपर चालक ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान उसकी कहासुनी भी हो गई थी, लेकिन जब खनन टीम जाजमपट्टी की ओर से लौट रही थी तभी कार सवार माफियाओं ने खनन टीम की गाड़ी के आगे अपनी कार लगा दी और अपनी कार में आग भी लगा दी और खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया था। शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि राजस्थान से काफी ओवरलोड की गाड़ी समय आ रही है। मैं 2 दिन से कंटिन्यू प्रवर्तन में था, अब मैं वहीं पे बॉर्डर के पास प्रवर्तन कर रहा था, एक गाड़ी इधर से आई मथुरा तरफ से, वो रोकी नहीं, डायरेक्ट भागने लगी, हम लोग पीछा किए। इसके बाद देखे तो वहाँ काफ़ी गाड़ी खड़ी थी, मैं वहाँ के थाना अधिकारी से बात किया, आपके भरतपुर के ऐसा ऐसा है, तो बोले कि सर आज तो मेरी टीम पहाड़ी में छापा मारी है, आज नहीं किसी दिन ज्वाइंट ऑपरेशन चला लेते हैं कल परसों। खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां बीजेपी के काशी क्षेत्र के नवनियुक्त मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है। नवनियुक्त क्षेत्रीय मंत्री दिलीप सिंह पटेल को बीजेपी नेताओं ने माला पहनाई। जानकारी के मुताबिक दिलीप सिंह पटेल बनारस से प्रयागराज जा रहे थे, वहीं युवा दावेदारों के सामने हंडिया के निवर्तमान चेयरमैन जवाहरलाल लाचार दिखाई पड़े। वे हाथ में माला लेकर चक्कर काटते नजर आए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नए चेहरे को हंडिया नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जगह मिल सकती है। मथुरा में ई रिक्शा चालक नाराज नजर आ रहे हैं और ई रिक्शा चालकों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन द्वारा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 400 ई रिक्शा के चलने की अनुमति दी गई है, जबकि गोवर्धन में ई रिक्शा की संख्या हजारों से भी ज्यादा है, जिसके चलते आए दिन श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा था। वहीं आए दिन दुर्घटनाओं के भी मामले लगातार सामने आ रहे थे। इसी के चलते नगर पंचायत गोवर्धन और पुलिस प्रशासन द्वारा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 400 ई रिक्शाओं को अनुमति प्रदान की गई है। ई रिक्शा चालकों ने आन्योर मार्ग पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है।
कि इन लोगों ने जो टर्रिया पास किए ना, वो ऐसी टर्रिया है उन पे ना कोई कागज है, फिटनेस फिटनेस बीमा कुछ नहीं, सिर्फ पैसे से उन्होंने पर्ची काटी है और अपने करीबियों की पर्ची काटी है, ना कि सबके लिए पर्ची काटी है। ठीक है, अच्छा हमारा हमारा प्रशासन से ये कहना है कि जो गाड़ी कंप्लीट पेपर हो गाड़ी के, वो गाड़ी पास की जाए। बुलेटिन में बात हमीरपुर की, जहां 70 साल के बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि बेटे और पोते ने बुजुर्ग को पीट पीट कर मार डाला। मामला सुमेरपुर थाना इलाके के सिमनोड़ी गांव का है। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हैं। जानकारी मिली है कि बेटे और पोते ने जमीन के लिए घर के बाहर चौखट पर ही बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने जाँच शुरू कर दी है। आज सुमेरपुर थाना अंतर्गत सिमनोड़ी ग्राम में राम गुलाम प्रजापति के हत्या की सूचना पर तत्काल SHO CO सदर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट द्वारा साज संकलन की कार्रवाई की गई। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को रवाना किया गया है। घर वालों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। औरैया से प्रधान के घर में डकैती की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बदमाश प्रधान की हत्या करने के इरादे से घर में घुसे थे। मामला अजीतमल थाना इलाके के शाहपुर तुमरिया गांव का है। बदमाश प्रधान की हत्या करने के इरादे से घर में घुसे थे, लेकिन जब उन्हें प्रधान घर में नहीं मिला तो उन्होंने प्रधान की पत्नी को बंधक बनाकर मारपीट की और लाखों रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। जिस वक्त बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त प्रधान की पत्नी घर में अकेली थी और प्रधान गाँव के ही 4 लोगों के साथ कथा सुनने गए थे। भतीजे से जानकारी मिलने के बाद प्रधान ने पुलिस से मामले की शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी कुछ देर पहले लगभग 2 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये थाना जीतमल क्षेत्र में पड़ता है, शाहपुर तुमरिया। इसमें कुछ लोगों ने सूचना दी कि कमला देवी इनके घर में इनको कुछ लोग हाथ पैर बांध के चले गए। तो मौके पर हम सभी लोग आ गए। SHO और CO सबसे पहले पहुंचे थे, तो जो आकर कमला देवी से जो पूछताछ हुई, इन्होंने बताया इनके पति समृद्ध सिंह जो ग्राम प्रधान है, ये 3-4 लोग हैं इनके गांव के, इनके साथ 800 क्षेत्र में एक ये बिरूनी पड़ता है, वहां पे एक कथा चल रही है, उसमें उसे अटेंड। खबर महोबा से है, जहां कुएं में काम करते वक्त राजमिस्त्री और उसका बेटा मलबे में दब गया था। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजमिस्त्री को गंभीर हालत के चलते मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के भैरोगंज के रहने वाले श्यामलाल अपने बेटे हरीशचंद के साथ ननोरा गांव के रहने वाले तिजुवा के खेत में स्थित कुएं में काम कर रहे थे। इसी दौरान मलबा गिरने से दोनों उसके नीचे दब गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही आसपास काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। मजदूरों ने पिता पुत्र को मलबे से बाहर निकाला और फिर अस्पताल में भर्ती कराया। तो कुएं से निकाला के सब लोग मिलके जिला अस्पताल में महुआ ले आए हॉस्पिटल। कौन घायल हुआ? मेरे पिताजी। अच्छा, कहाँ काम कर रहे थे, किसका खेत था ये? ननोरा में काम कर रहे, पटियाले के कुएं में काम कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया हुआ है जो कि कुएं में काम कर रहा था। कुएं की दीवार गिरने से पेशेंट को काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जिला चिकित्सालय लाया गया और पेशेंट की राइट थाई फ्रैक्चर है और चेस्ट इंजरी भी है। जिला चिकित्सालय में प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सीतापुर में एक बेकाबू बस ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों समेत 7 लोगों को रौंद दिया। हादसा कमलापुर चौराहे पर हुआ। बस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लखीमपुर खीरी डिपो की बस सीतापुर से लखनऊ जा रही थी। फिलहाल हादसे में घायल और मरने वाले लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं हादसे के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों फरार हो गए हैं। हादसे के बाद लोगों ने बस के आगे के साइड से उसे 5 फुट उठाकर
घायलों को बाहर निकाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई थी। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, 2 लोग घायल हुए हैं। तो मुजफ्फरनगर में रफ्तार के कहर की खबर सामने आ रही है। बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई थी, जिसकी वजह से हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। घटना बुढ़ाना थाना इलाके की बड़ोत रोड की है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्रुखाबाद में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मामला फर्रुखाबाद कोतवाली इलाके के गुदड़ी मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। ट्रांसफार्मर से उठ रही आग की लपटों को देखकर मोहल्ले के लोगों में हड़कंप मच गया। मोहल्ले के लोगों ने बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।